हम कैसे हैं? सब ठीक है। आज माशाल्लाह ना मदरसे में आए हुए हैं सेवा देने के, तो यहाँ पे ना कारी इस्माइल लतीफ़ साहब आ जाए हैं, तो उनका कुछ शॉर्ट बयान है खसूसी, उसको सुनने के लिए आए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ मदरसा भी, तो चलें चलते हैं। तो माशाल्लाह यहाँ से इंटर हो गया। इंटर होते ही ये राइट साइड पे ये वज़ू खाना है, वज़ू से याद है मगरों का टाइम, वज़ू भी करना है। तो ये मदरसे का फर्स्ट लुक है, देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा है। तो मिलता हूँ बाद में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सब ठीक हैं? देख रहे होंगे कि पानी से भीगा हूँ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह वज़ू किया। हमारे छः वाले स्टॉप पे ना मदरसा है बहुत बड़ा, वहाँ पे आज जलसा था छोटा सा, कारी इस्माइल लतीफ़ साहब आ रहे हैं, उसी नस्बत से आना हुआ, तो इसलिए आते ही मैंने पहले वज़ू किया है। तो अभी मैं आपको मदरसा दिखाता हूँ। इस्माइल लतीफ साहब यहाँ से गुजरेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। माशाल्लाह माशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। लाइट पिंक में जो है ना ये कारी इस्माइल लतीफ साहब है, माशाल्लाह। अभी वज़ू करने के लिए जा रहे हैं, ये मदरसा है। मदरसे का ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं हाफ़िज़ कुरान, छोटे छोटे बच्चे, तो उनके लिए खाना तैयार हो रहा है। तो ये मदरसे की नई बिल्डिंग बन रही है यहाँ पे, बच्चों के लिए ख़ास कर। और ये आप देखें, वो वहाँ पर नया गेट लग रहा है सेपरेट, तो क्योंकि दूसरी तरफ जो है ना वो रोड है, बड़ा रोड है, तो बच्चों का निकलना आना जाना वहाँ पे आमद रफ्त होती है, गाड़ियाँ आती जाती हैं, तो इसी वजह से ना तो थोड़ा सा सेपरेट किया है अलग से। ये माशाल्लाह बहुत बड़ा एक मदरसा है ये।
जहाँ पे आज हमारा आना हुआ। सारे नमाज के लिए इंतज़ार कर रहे हैं मस्जिद में। बस अभी कारी साहब नमाज करवाना स्टार्ट करेंगे, नहीं स्टार्ट हो रही है तो फिर मिलते हैं नमाज के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह मगरब अदा हो गई है तो अभी कारी साहब का इंतज़ार कर रहे हैं, बयान शुरू होने वाला है उनका। तो बयान तो नहीं पूरा मैं अपलोड कर सकूँगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अच्छी भी बातें कोशिश करूँगा कि कोई ना कोई अच्छी बात एक उनकी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये मदरसे का मगरब के बाद का मंजर है, जहाँ पे कुछ साथी बाहर बैठे हुए हैं, कुछ बरामदे में, कुछ अंदर। कार साहब क्योंकि अंदर होंगे तो सारे इसलिए अंदर ही हैं, कुछ बाहर भी हैं, इसलिए अब हम भी चलते हैं अंदर और सुनते हैं कार साहब की प्यारी बातें। ओ देखें बाइकें भर भर के लोग आ रहे हैं, साथी अंदर जा रहे हैं। शाम का मंजर है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुहाना। और अभी कुछ ही लम्हात में इंशाल्लाह मस्जिद पूरी की पूरी भर जाएगी। इस जगह पर तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अगर हम पहाड़ों को हिलाना चाहें, जमीन के टुकड़े करना चाहें, मुर्दों को जिंदा करना चाहें, किस कुरान मजीद के साथ तो ये सारा हो सकता है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला जो है चैलेंज के एतबार से भी ये बात लोगों को कहते हैं कि ये ऐसी किताब है कि इस तरह की एक सूरत लेकर आ जाओ, एक ऐत भी बनाकर लेकर आ जाओ। भर भर के मोटरसाइकिलों पे लोग आ रहे हैं, साथी आ रहे हैं। ये मस्जिद का खूबसूरत तरीन मनार, बस चंद ही लम्हात में कारी साहब का बयान स्टार्ट हो जाएगा, फिर कुछ भी शूट नहीं कर पाऊंगा। करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन बयान सुनने का मजा नहीं आता। फिर ना अभी अंदर जाके आपको माशाल्लाह। ये कारी बशारत साहब भी आ गए हैं, अभी वो चलते आ रहे हैं माशाल्लाह। वो भी स्पेशल गान सुनने के लिए आए हैं। बहुत अच्छी शख्सियत है हमारे गांव की माशाल्लाह। अल्लाह पाक के दम में इनके अम्बों ने बरकतें अता फरमाए, अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी में बरकतें अता फरमाए। जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी है कुरान मजीद को मुकम्मल हिफ्ज करने की, स्कूल पढ़ाने के अंदर बहुत जो है कोशिश मेहनत पैसा भी खर्च करते हैं और आखिरी जो रिजल्ट निकलता है वो मैं आपको एक बात बताकर जो है आगे वाला मामला शुरू करता हूँ। माशाल्लाह की ये आफत जमात के वालिद साहब हैं जिन्होंने अपने बच्चे को कुरान मजीद हिफ्ज करवाया। अल्लाह इस्माइल अहमद साहब से मदरसे की तरफ से जो इनाम है वो भी वसूल कर, और इसी तरह सनद जो है वो भी वसूल कर। और कारी सिद्दी कजरी साहब जो इस मदरसे के मोहतमेम हैं वो भी साथ खड़े हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला इनकी भी मेहनत कोशिश ये कबूल करे। आप में से कौन भाई है जो करीब करीब अपने मदरसे के अंदर अपने बच्चे को हिफ्ज करवाने के लिए भेजेगा वो हाथ मार कर चलो इरादा ही कामे कहते हैं। माशाल्लाह पूरी पूरी मस्जिद
بڑھ گئی ہے. ابھی قاری صاحب کا بیان اسٹارٹ ہونے والا ہے تو انتظار کر رہے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماں باپ جیسیا بہار دوبارہ نہیں لبدیا. پورے ملک اندر جملے پڑ چکے نے. اج تانو بھی سنا دینا وا. ماں ورگا جگتے کوئی نہیں اور پیاں نہیں تے پوچھ انہاں نو جڑے بیٹھے نے ماں ٹور میاں. ایک واری میرے نال پڑھو رب رحم ہو ماں ماں ورگا جگتے کوئی نہیں تے پوچھ انہاں نو جڑے بیٹھے نے ماں ٹور میاں. جڑے بیٹھے نے ماوا ٹور میاں جے ٹر گئی ہے قبر اندر پیریا ماں نہیں لبنی. او سجنا لیکن یارا رسول اللہ نے فرمایا سی اویس کرنی کو دعا ضرور کروانا. بیٹے کول بو گے کچھ سنو گے پھر پتہ لگے کچھ ہم سے سنا ہوتا کچھ ہم سے کہا ہوتا. اوروں سے کہا تم نے اوروں سے سنا. جو تو ساڈے کول بو گے خدا دی قسم اے تیرا بڑا قران ہے مکی مدنی سرکار دا فرمان ہے. این دے علاوہ ہور کوئی گل ہے ہی نہیں. ماشاء اللہ بیان کے بعد ساتھی یہ دیکھیں آپ سارے کا سارا مدرسہ بھرا ہوا ہے ماشاء اللہ. تو اندر تک ساتھی ہیں. کھانے کا انتظام ہے تو اسی کے حوالے سے اب ساتھی کھانا کھا کے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوں گے. یہ دیکھیں یہ احمد بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا ڈولا ان کا بنا ہوا ہے.